गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल्स। आज आपका गाइड चैनल में काफ़ी स्वागत है। तो आज हम आपके लिए नया चैप्टर लेके आए हैं क्लास 11th का, केमिकल बॉन्डिंग। और ये एन इनऑर्गेनिक का चैप्टर्स है और काफ़ी लॉजिकल चैप्टर है। अब काफ़ी आपका एक लेंथ वाला चैप्टर है, लंबा चैप्टर है ये, और इसमें बहुत कुछ हम लोग को सीखने को मिलेगा। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है कि हमको इनऑर्गेनिक समझने में काफ़ी मदद होगी, खासकर हम लोग इनऑर्गेनिक वाले क्लास 12th में जाते हैं तो इसका अच्छा खासा इनऑर्गेनिक में यूज होगा। जैसे कि आपका पी ब्लॉक एलिमेंट कहीं पर पढ़ते हैं हम लोग, या डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इस चैप्टर्स का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। और साथ साथ इसमें ऑर्गेनिक में भी इस चैप्टर्स काफ़ी ऑर्गेनिक में भी इस चैप्टर का अच्छा खासा यूज होता है। जैसे कि आपका सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सब चीज़ हम लोग को यहीं पे पढ़ना है और इसका हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे ऑर्गेनिक समझने में, बहुत ही आसान होगा। इसलिए इस चैप्टर को, इस चैप्टर का जो लेक्चर्स भी होंगे, कम से कम अच्छा खासा लेक्चर्स इसका बनने वाला है। और इस चैप्टर का लेंथ काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है और टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, कितने प्रकार के केमिकल बॉन्ड होते हैं। मतलब एक तरह से बोलिए कि आज आपका इंट्रोडक्शन क्लास है केमिकल बॉन्डिंग का। केमिकल बॉन्डिंग का आपका ये इंट्रोडक्शन क्लास है। सिर्फ इसमें आपको आज ये बताया जाएगा कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, काउज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्या है, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्या है, कितने प्रकार के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग इनिशिएट करते हैं। आप हमारे लेक्चर के सामने बने रहिए, हमारे चैनल के सामने बने रहिए और इस आपका लेक्चर का आप आनंद उठाइए, ठीक है। सबसे पहला बात यह है कि केमिकल बॉन्ड बोलते किसको है, व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड, ठीक है। देखिए, तो बॉन्ड एक्चुअली होता है क्या, बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। वो बॉन्ड एक क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी भी एटम के बीच में, आयंस के बीच में, मतलब केमिकल स्पीसीज के बीच में, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी आपका एटम के बीच में हो सकता है, आयंस के बीच में हो सकता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग प्रकार का हो सकता है। हो सकता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, या फिर शेयरिंग के द्वारा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तैयार हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के द्वारा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तैयार हो रहा है, या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन शेयर करके, मतलब कि म्यूचुअल शेयरिंग करके नहीं, डोनेट करके ये फोर्स तैयार कर रहा हो, ठीक है। तो ये सब क्या है, या फिर हो सकता है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन एटम या फिर हाइली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हो सकता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितने ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, अलग अलग प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बुलाएंगे, केमिकल बॉन्ड बुलाएंगे। तो यही अलग अलग प्रकार के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे उसका नाम भी बदल जाएगा, अलग अलग केमिकल बॉन्ड बुलाएंगे उसको, ठीक है। तो अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर होगा, अगर अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो अलग अलग केमिकल बॉन्ड्स के नाम होंगे, लेकिन कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलेंगे, भले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग ऑपरेट हो रहा होगा किसी केमिकल स्पीसीज के बीच में, ठीक है, एटम्स के बीच में, आयंस के बीच में, विद इन द मॉलिक्यूल या फिर आयंस या फिर कोई केमिकल स्पीसीज, तो क्या होगा ये, हम लोग कलेक्टिवली क्या उसको बुलाएंगे, केमिकल बॉन्ड बुलाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद सिर्फ आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड और व्हाट इज द काउज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग्स। इतना ही बात आज हमको बताने वाले हैं, आप हमारे लेक्चर के सामने बने रहिए और देखिए क्या होता है केमिकल बॉन्ड्स। तो हम लिखते हैं केमिकल बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्ड, ठीक है, कहता है कि इट इज अ फोर्स, इट इज अ फोर्स, फोर्स का नेचर अलग अलग हो सकता है, इट इज अ फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट्स, कंस्टिट्यूएंट्स में लिख देते हैं आपको एटम्स या आयंस। इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेटिंग, इट इज ए फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन कंस्टिट्यूएंट्स एटम आयंस इन अ केमिकल
स्पीसीज। केमिकल स्पीसीज में हो सकता है मॉलिक्यूल, केमिकल स्पीसीज क्या हो गया आपका, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में ही फोर्स अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं, आयंस और आयंस के बीच में भी हो सकता है, इसलिए हम क्या लिखे हैं, केमिकल स्पीसीज लिखे हैं स्पेशली, ठीक है, केमिकल स्पीसीज। तो केमिकल स्पीसीज में आ सकता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकता है, एटम एटम के बीच में ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, आयंस आयंस और मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकता है, ठीक है, आयंस आयंस के बीच में हो सकते हैं, ठीक है। तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट करेगा, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट के बीच में, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्डिंग बोलेंगे, केमिकल बॉन्ड के नाम से उसको बोलेंगे, समझ गए, इसी को बोलेंगे केमिकल। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, फिर मान लीजिए हम यहाँ लिखें सोडियम क्लोराइड NaCl, अभी हमें क्लासीफाई नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ NaCl है, मान लीजिए एच टू है, समझ लीजिए एच टू है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये सपोज Cl2 है, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है, हम यहाँ पे लिख लिए एच एफ लिख लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, यहाँ भी हम लिख लिए एच एफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखेंगे हम, यहाँ देखिए Na के ऊपर में क्या है प्लस और Cl के ऊपर में माइनस है, यहाँ भी देखिए क्या है, एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ पे देखिए इस टाइप का एक स्ट्रक्चर आप देख चुके होंगे क्लास टेन में भी होगा, यहाँ क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग हो रहा है वही क्या है आपका, उसी को बोलते हैं, वो भी वहाँ भी क्या हो रहा है कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट कर रहा है हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम के बीच में। सिमिलरली यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में भी ऑपरेट हो रहा है, Cl और Cl के बीच में भी ऑपरेट हो रहा है। और हो सकता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग प्रकार के हो, लेकिन सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कलेक्टिवली हम लोग क्या बुलाएंगे, केमिकल बॉन्ड, समझ रहे, सिंपल भाषा में सुन लीजिए, किसी भी केमिकल स्पीसीज में, किसी भी केमिकल स्पीसीज में, मान लीजिए सिर्फ एक केमिकल स्पीसीज हम मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स किससे बना हुआ रहता है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बना हुआ रहता है, मॉलिक्यूल्स क्या एटम के कॉम्बिनेशन, चाहे वो सिमिलर एटम का कॉम्बिनेशन हो या फिर डिफरेंट एटम का कॉम्बिनेशन हो, उसको क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। जैसे मान लीजिए वाटर इज ए मॉलिक्यूल, सपोज वाटर क्या है, मॉलिक्यूल, वाटर इज ए मॉलिक्यूल, तो हम वाटर के बीच में लिखते हैं इस तरह से, आप देखे होंगे स्ट्रक्चर बना हुआ वाटर का, क्लास टेन में ही पढ़े होंगे इस तरह से बनाए होंगे, या फिर आप इस तरह से बनाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल है वाटर, ठीक है, वाटर क्या है, एक मॉलिक्यूल है और डिफरेंट एटम से बना हुआ है, और ये हाइड्रोजन एटम के बीच में, यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन एटम के बीच में, हाइड्रोजन एटम के बीच में क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट कर रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्ड बोलेंगे, नाम भले बदल सकता है लेकिन क्या है, एक फोर्स ऑपरेट कर रहा है, फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन द एटम इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग, उसको क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्ड बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा केमिकल बॉन्ड, ये होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिमाग में बैठा लीजिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, टाइप अलग अलग हो सकता है, फोर्स का टाइप बदलेगा तो केमिकल बॉन्ड का नाम भी बदल जाएगा, ठीक है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो नाम बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, अगर ये फोर्स तैयार होकर रहा है शेयरिंग के द्वारा तो बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, अगर मान लो कोई एटम किसी को डोनेट करके फोर्स तैयार कर रहा है बोलेंगे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, समझ रहे, इस तरह से हम लोग केमिकल बॉन्ड को पहचानते हैं। तो ये तो आप शायद समझ गए, आप चाहो तो इसका स्क्रीन कवर कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हम अब लेंगे केमिकल बॉन्ड्स के क्या होता है, काउज ऑफ केमिकल बॉन्ड, दिमाग में आपकी बात आ रही होगी, आखिर बात तो आना भी सही है कि आखिर ये बॉन्ड क्यों बनाता है, काउजेज ऑफ केमिकल बॉन्ड। अब बात आती है केमिकल बॉन्ड का काउज क्या, केमिकल बॉन्ड का हमारे पास काउज क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि बॉन्ड बनाना कोई भी एटम इसलिए चाहता है कि वो अपने मिनिमम एनर्जी में आ सके, और जब मिनिमम एनर्जी में आएगा तो हायर स्टेबिलिटी में जाएगा, ठीक है, कोई भी किसी चीज़ का भी टेंडेंसी यही होता है कि हम अपने मिनिमम एनर्जी में रहें और हायर स्टेबिलिटी में रहें, मतलब किसी सिस्टम की ये टेंडेंसी होती है। ये सिस्टम का टेंडेंसी क्या है, किसी सिस्टम का टेंडेंसी क्या होता है, सिस्टम कोई भी सिस्टम हैव टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी
एंड हायर स्टेबिलिटी। अगर इस बात को आप समझ चुके हो, इस लाइन को समझ गए हो, इस लाइन को अगर समझ चुके हो तो समझ गया कि आप केमिकल काउज ऑफ केमिकल बॉन्ड भी समझ चुके हो। तो किसी भी सिस्टम का, चाहे आप सिस्टम का मतलब एटम हो गया, केमिकल स्पीसीज हो गया, कि उसकी मतलब कि क्या रहता है फाइस, कि हम अपने मिनिमम एनर्जी में चले जाएं। जब मिनिमम एनर्जी में जाएगा तो हायर स्टेबिलिटी में आएगा, ठीक है। जैसे ही वो मिनिमम एनर्जी में पहुंचेगा तो क्या है, वो वहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड बन जाता है। और जब बॉन्ड बन जाता है तो केमिकल स्पीसीज जो भी हो वो स्टेबल कंडीशन में आ जाता है। द काउज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग समझ गए, टू एक्वायर स्टेबिलिटी। जैसे ही ऐसे एटम घूम रहा है, कहीं कहीं घूम रहा है, मान लो हाइड्रोजन यहाँ भी घूम रहा है, दिखा दिए हाइड्रोजन का दो एटम है, सपोज इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, कहीं कहीं है। तो जैसे ही ये दोनों अभी दिखाएंगे आपको किस तरह से ये अप्रोच करेगा, ये दोनों मिनिमम एनर्जी में आएगा। जिस पॉइंट पे मिनिमम एनर्जी में आएगा, मान लो यहाँ पे, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, तो जहाँ पे मान लें कि मिनिमम एनर्जी में होगा, वहीं पे ये दोनों के बीच में, ये दो हाइड्रोजन एटम के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, जैसे ही ये मिनिमम एनर्जी को अटेंड करें। तो मिनिमम एनर्जी हायर स्टेबिलिटी, मतलब समझ गए काउज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्या है, एटम एक्वायर स्टेबिलिटी इन मिनिमम एनर्जी। जैसे ही मिनिमम एनर्जी में आया, बॉन्ड बनना निश्चित है, ये मेन चीज़ है। एक्वायर किस तरह से स्टेबिलिटी को एक्वायर करता है, वो बात अलग है कि शेयरिंग के द्वारा भी स्टेबिलिटी एक्वायर करता है, ऑप्टेट करके, डिप्लेट करके, बात सही है। लेकिन सबसे बेसिक कंसेप्ट क्या है, सबसे कहीं पे ये लागू हो सकता है कि मिनिमम एनर्जी हायर स्टेबिलिटी, ये कहीं पे लागू होता है, हम पे भी लागू होता है, इस पे भी लागू होता है, किसी चीज़ पे लागू होता है। तो ये होता है कि शेयरिंग की बात तो एक लगता है कि चलो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ के कॉमन की बात करते हैं हम, कि हमारी स्टेबिलिटी कब आएगा, सबका, किसी का भी स्टेबिलिटी कब आएगा, जब वो मिनिमम एनर्जी हो तो हायर स्टेबिलिटी। तो चलिए यहाँ पे समझ गए आप काउज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अब देखिए कि यहाँ पे जो काउज ऑफ केमिकल्स बॉन्डिंग आपको बताया है, किस तरह से मान लिया, देखिए फॉर्मेशन ऑफ, इसे मान लिया हम लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। हम शेयरिंग के द्वारा जानते हैं, इस तरह से शेयरिंग की बात नहीं कर रहे अभी, तो हम टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं रहा है जो आपको शेयरिंग करके दिखाएं अभी, कि इसके प्रकार होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। यहाँ भी मॉलिक्यूल स्टेबल हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा, एक इससे शेयर कर ले रहा है, इससे शेयर कर ले रहा, तो एक स्टेबिलिटी पा ले रहा है, स्टेबिलिटी जैसी पाता है तो बॉन्ड बन जाता है, मतलब बॉन्ड बना तो स्टेबल हो गया, ये कह सकते हैं, मतलब कि बॉन्ड लेंथ तैयार हुआ, स्टेबल हो गया। अब बात आती है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दो हाइड्रोजन एटम अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम है, सपोज ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे देख लीजिए, ये हाइड्रोजन की न्यूक्लियस है, ये भी हाइड्रोजन की न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा, बात से कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया, सपोज ये हाइड्रोजन का मान लीजिए न्यूक्लियस ये एच न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन है, एच एटम, एटम सपोज मान लेते हैं इसको, ये ए एटम मान लेते हैं इसको हाइड्रोजन का, इसका बी एटम मान लेते हैं, तो एच ए हो गया और ये एच बी हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन एटम का ये हाइड्रोजन भी, फर्स्ट एटम को ए माने हैं, दूसरा एटम को बी माने हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ की कितने टाइप का आपका फोर्स देखने को मिलेगा, फोर्स ऑपरेट करेगा, क्या क्या फोर्स यहाँ पे आएगा, मान लीजिए एक एटम दूसरे एटम को अप्रोच कर रहा है, क्या क्या फोर्स की संभावना हो सकती है, एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर आना चाह रहा है, कंबाइन करना चाह रहा है, बॉन्ड बनाना चाह रहा है, मिनिमम एनर्जी में आना चाह रहा है, स्टेबिलिटी लाना चाह रहा है, तो क्या करेगा। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, सबसे पहला है कि इलेक्ट्रॉनिक इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, हाइड्रोजन वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, एक का इलेक्ट्रॉन जो है, एक का इलेक्ट्रॉन और बी का इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सन होगा, ए का इलेक्ट्रॉन और बी का इलेक्ट्रॉन में रिपल्सिव फोर्स, ए का न्यूक्लियस ए एन, ए का न्यूक्लियस ए एन लिखे मतलब ए का न्यूक्लियस और ये बी का न्यूक्लियस पॉजिटिव में रिपल्सन होगा। तो यहाँ पे आप क्या देखें, रिपल्सिव फोर्स ऑपरेट करना, कौन सा फोर्स है, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स ऑपरेट करना,
कौन सा फोर्स है? रिपल्सिव फोर्स। आप देखिए कि यहाँ पे ए का न्यूक्लियस है और बी का इलेक्ट्रॉन है। ए का न्यूक्लियस, ए का न्यूक्लियस और बी का इलेक्ट्रॉन, ए का न्यूक्लियस और बी का इलेक्ट्रॉन में कैसा होगा फोर्स बताइए? अट्रैक्टिव फोर्स होगा, खींचेगा इसको, कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्ट करेगा इसको फोर्स, ठीक, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। दूसरी बात है कि आप देखिए बी का न्यूक्लियस हो गया, बी का न्यूक्लियस और ए का इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। इसका इस्तेमाल क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो यहाँ पे क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स, ये हो गया अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब फोर्स कितना काम कर रहा है? न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स, इसके न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, इसके न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स। इतना फोर्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इतना फोर्स ऑपरेट कर रहा है साइमल्टेनियसली एक साथ। अब कहानी देखिए कैसे बॉन्ड बनता है। इतना बात तो आप समझ गए, इतने टाइप का फोर्स बुक्स में भी दिया हुआ, देख लीजिएगा। अब ये एक दूसरे को अप्रोच करना शुरू किया, मान लें यहाँ पे अप्रोच किया न्यूक्लियस है, तो इस पॉइंट पे आया समझिए, यहाँ पे देख रहे हैं रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा है, जैसे जैसे आ रहा है रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होने का मतलब क्या हो रहा है? भाग रहा है। रिपल्सिव फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? भाग जाएगा, भाग जाएगा। भाग जाने का मतलब क्या है कि बॉन्ड बनाना नहीं चाहता, मतलब कि हाईएस्ट एनर्जी में, ज़्यादा एनर्जी में। एक पॉइंट पे यहाँ आया, ये इस पॉइंट पे सपोज यहाँ आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ? इस पॉइंट पे कि अट्रैक्टिव फोर्स क्या हुआ? अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा हो गया। अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो गया? रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा हो गया। जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ता है एनर्जी घटता है, याद रखिए। एटम के बीच में अगर अट्रैक्शन बढ़ रहा हो ना, तो दिमाग में बैठा लीजिए कि एनर्जी वहाँ उसका सिस्टम का घट रहा हो। जितना ज़्यादा रिपल्सिव है, भाग रहा हो, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि जब अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, समझ जाइए कि अब वह मिनिमम एनर्जी में आ रहा है। अब बॉन्ड बनने के वैम बॉन्ड बनने को तैयार है, बॉन्ड बनाने को तैयार है, चाहे कि मिनिमम एनर्जी में जा रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहाँ पर देखा, यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर आ चुका है। और फर्दर हो सकता है कि और आगे हम बढ़ा देते, रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाए, ठीक है, हो सकता है कि इस पॉइंट तक, ठीक है, मिनिमम एनर्जी में यहाँ से सिस्टम इस लेंथ पे, इस बॉन्ड के लेंथ पे सिस्टम मिनिमम एनर्जी पे, इस बॉन्ड लेंथ पे क्या है? सिस्टम मिनिमम एनर्जी पे, मतलब कि बॉन्ड का एनर्जी क्या है? मिनिमम। अब जैसे यहाँ पे सिस्टम का मिनिमम एनर्जी जिस पॉइंट पे हो जाए, वहाँ से वहाँ खींच दीजिए, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस, और उसी को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है, सो क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ बोला जाएगा। इसके मतलब अब बॉन्ड बन चुका है। जैसे ही बॉन्ड बना एच बी के बीच में, तो समझ जाइए कि ये बॉन्ड जैसे ही बना, सिस्टम क्या हो गया? स्टेबल, मतलब कि क्या तैयार होगी? मॉलिक्यूल्स तैयार होगी। और हाइड्रोजन का अलग अलग एटम किस में बदल चुका? मॉलिक्यूल्स। इतनी कहानी समझ में आ गई। इसको ग्राफिकली भी देख सकते हैं, आपको ग्राफिकली भी बताया जाए, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जितना घट जाए, जितना मतलब उसकी मिनिमम एनर्जी में वो आ जाए, मिनिमम एनर्जी का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए, रिपल्शन नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। और हाँ, जिस पॉइंट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम ज़्यादा हो जाए, ठीक है, अब वहाँ पे बॉन्ड बनने को तैयार है, और वहाँ से जो इंटर दोनों के न्यूक्लियस को मिलाएंगे, तो उसी को बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंसेस और बॉन्ड लेंथ, मतलब बॉन्ड तैयार हो गया, स्पीशीज स्टेबल कंडीशन में आ चुका है। समझिए काउज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्या? टू एक्वायर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी एक्वायर कर लिया। कैसे स्टेबिलिटी को एक्वायर किया? आपने मिनिमम एनर्जी में पहुंच के,
तो ये तो बता दिए आपको व्हाट इज द काउज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखिए, अब हम सिर्फ से और सिर्फ बताएंगे कि केमिकल बॉन्ड के प्रकार क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड के जो टाइप्स होते हैं उसका डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, बॉन्ड का टाइप्स। तो पहला टाइप्स है आपका आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड में है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी के कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड के ही अंतर्गत आता है। इसको हम लोग उसी में पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला जाता है। हालांकि टाइप्स में कोवेलेंट बॉन्ड का ही प्रकार होंगे, उसी के अंतर्गत। एक है मेटालिक बॉन्ड, मतलब क्या कह सकते हैं? एक आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या है? इंटर आयनिक फोर्सेस, आयंस और आयंस के बीच में फोर्सेस, कोवेलेंट फोर्स, कोऑर्डिनेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेटालिक बॉन्ड होता है आपका एटम एटम के बीच में, बताया जाएगा आपको। ठीक है, एटम और एटम के बीच में बहुत सारे, मान लें कोई भी मेटल का आपका कोई मेटल है, उसके बीच में एटम भरा हुआ है, वही एटम एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। उसको बताएंगे सेपरेटली आपको। तो मेटालिक बॉन्ड, इसके अंतर्गत ये सब क्या है ना, इसके अलावा बॉन्ड आता है वंडरवाल फोर्सेस। हालांकि फोर्स है ये, तो फोर्सेस भी क्या है? एक तरह से बॉन्ड है। तो वंडरवाल फोर्सेस जो ऑपरेट होता है मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। हालांकि सारा फोर्स जो हम बताएं यहाँ पे, ये क्या है? इंटर एटॉमिक फोर्सेस, एटम एटम के बीच में। ऊपर वाला जितना कंडीशन था ना, एटम और एटम के बीच का कंडीशन था, लेकिन अभी जो हम बताने जा रहे हैं दो एक्स्ट्रा, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में कर। ये मॉलिक्यूल्स जैसे कि H2 और H2 के बीच में अब जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा वंडरवाल फोर्सेस। नेक्स्ट चैप्टर में वंडरवाल फोर्स के प्रकार हैं बहुत सारे, डैपर डैपर इंटरेक्शन है, डैपर इंड्यूस्ड डैपर है, ठीक है, बहुत सारे मिलने वाले हैं आपको वंडरवाल फोर्सेस। दूसरा है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या है? मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हालांकि ये जो फोर्स होता है, ये दोनों फोर्स बहुत कमज़ोर होता है, ये बहुत फोर्स कमज़ोर होता है, इसके बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होते हैं। ठीक है, जो बॉन्ड एनर्जी पर मोल आएगा, किलो जूल पर मोल, इसका बहुत कम होता है, इसका हाई होता है। इसको तोड़ने में हमको ज़्यादा एनर्जी देनी होती है, ये सारे बॉन्ड को, इन कंपेरिजन टू ये दो बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड का भी दो प्रकार है, हाइड्रोजन बॉन्ड का दो प्रकार पड़ेंगे, क्या क्या है? इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक है इंट्रा मॉलिकुलर, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इतने प्रकार का हमको बॉन्ड्स पर के लेना है। ठीक, तो आज हमने आपको सिर्फ और सिर्फ आइडिया क्या दिया कि केमिकल बॉन्ड होते क्या है, काउज ऑफ केमिकल बॉन्ड क्या है, बॉन्ड क्यों बनाना चाहता है, क्या जरूरत पड़ा उसको बॉन्ड बनाने की। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड मैंने बताया, इतने प्रकार का बॉन्ड होता है, कुछ बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड उसको पढ़ाएंगे, उसके बाद उसके फीचर पढ़ाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड पढ़ाएंगे, इस तरह से हम लोग चलते रहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जल्द ही मिल रहे हैं। थैंक यू।